हेलो स्टूडेंट्स, हाय बेटे। आज हम ये क्लास फिफ्थ की हमारी हिंदी ग्रामर का चैप्टर हम ले रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में हिंदी ग्रामर भी करेंगे और हिंदी भी साथ साथ इनको रैंडमली हमने चलाना है। तो ये क्लास फिफ्थ बेटे, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, और इसका ये हमारा आपके जो है 3 चैप्टर हो चुके हैं बेटे। इसके चैप्टर फोर स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये चैप्टर 4, जिसका नाम है लिंग, जेंडर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो समझ आ गया आपको, क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, लेसन नंबर 4, और लेसन का नेम है लिंग, जेंडर। तो सबसे पहले जो लेसन का नाम है बेटे, वो आपको क्लियर होना चाहिए कि लिंग है, लिंग किसे कहते हैं, लिंग क्या है। लिंग वो शब्द बेटा जिससे आपको किसी के भी पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, नर या मादा होने का पता चलता है जिस शब्द से, वो लिंग कहलाता है। किस कोई भी शब्द है, मान लो हमने बोल दिया हाथी, तो ये जो शब्द है हमें ये पता चलाता है कि हाथी जो है पुलिंग है, ठीक है, उसका लिंग कौन सा है। हाथी नहीं बोलेंगे तो स्त्रीलिंग है। तो जिस शब्द से हमें उसके नर या मादा होने का पता चलता है, पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है, मेल फीमेल होने का पता चलता है, वो लिंग कहलाता है बेटे, ठीक है। तो सबसे मेन तो यही, वैसे आपने फिफ्थ क्लास में आपने किए भी होंगे पहले भी। ये देखिए, मैं चैप्टर की भी रीडिंग करवा देती हूँ आपको। विवेक, देखो मुर्गा कुकड़ू को बोल रहा है और तितली उड़ रही है, चिड़िया दाना चुग रही है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये जो मेन चीज़ है, मुर्गा जो कुकड़ू को बोल रहा है, तो बोल रहा है तो वो क्या है, वो नर है, मेल है, पुरुष है। तितली उड़ रही है, तितली क्या है, फीमेल है, स्त्री है, वो एक मादा कैटेगरी से बिलोंग करती है। चिड़िया दाना चुग रही है, और राहुल बोलता है हाँ, और पिताजी सैर करके आ रही हैं, लेकिन मोहित अभी भी खेल रहा है। तो अब देखिए, जो ऊपर जो हमने ये उपरोक्त रंगीन शब्दों को पढ़कर, ये जो हमने रंगीन शब्द थे ये, इनको पढ़कर स्त्रीलिंग या पुलिंग का बोध होता है हमें कि कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुलिंग है। स्त्रीलिंग होते हैं बेटे जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, और पुलिंग होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। उनसे हमें बोध हो रहा है, मान लो ये खेल रहा है तो इट मीन्स वो पुलिंग है, और यहाँ रही होता तो वो स्त्रीलिंग होता है। तो इन चीज़ों से हमें पता चल जाता है ना, और इन्हें हम लिंग कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए परिभाषा आ गई है। चलो आप ये परिभाषा भी लिखें अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में, लेसन 4 स्टार्ट करें, और फिर बेटे आप साथ जो बीच में लेसन के बीच में से जो परिभाषा है, मेन थिंग आई ना बेटे, उनको आप साथ साथ करें और साथ साथ लर्न करें। और मैं तो आपसे ये कहूँगी, ये सजेशन दूंगी आपको कि आप पहले तो इसको लर्न करें और फिर आप फिर लिख के देखें, ताकि आपकी रिविज़न भी हो, कॉपी में हर काम आप अच्छे से करें। तो ये परिभाषा भी आप लिखें, लिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये शब्द का वह रूप जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए, वो लिंग कहलाता है। यहाँ तक लिखना है, क्वेश्चन हो गया एक, लिंग किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन हो गया ये आपका। और इस तरीके से आप जिन बच्चों के पास बेटी बुक है, देखो उनको तो बुक से भी हेल्प मिल जाएगी, लेकिन जिनके पास बुक्स नहीं है, वो इस तरीके से वीडियो को एक्सपोज कर लें और फिर कर लें। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, लड़का है, लड़की है, माली है, माली नहीं, एग्जाम्पल दे रखे हैं भाई, ठीक है। और ये परिभाषा है, लिंग किसे कहते हैं, ये लेसन थोड़ा ऊपर आपको समझ आया है। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है बेटे, वो इस तरीके से पॉज कर लें, और जिनके पास बुक है बुक की हेल्प ले लें। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मैंने अपना नंबर बार बार आपके पास छोड़ रखा है, आप मेरे पास विदाउट हेजिटेशन किसी भी टाइम कॉल कर लें। थोड़ा और पढ़ें, आगे चलें। अब आते हैं लिंग किसे कहते हैं, हमें पता चल गया। अब आते हैं लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद होते हैं। देखिए लिंग, ये तो एक लिंग हो गया, लिंग के बेटा 2 भेद होते हैं। आप ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं, बनाएं और इनको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन गया आपका, मैं लगा देती हूँ निशान, लिंग किसे कहते हैं। ये बीच लेसन के बीच के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ये बन गया, लिंग कितने प्रकार के होते हैं या लिंग के कितने भेद होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनाएंगे आप, लिंग के कितने भेद होते हैं। तो लिंग के 2 भेद होते हैं, फिर ये लिखेंगे नंबर 1 पुलिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग, ठीक है। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुलिंग और स्त्रीलिंग, ये भी आप लिखेंगे। फिर पुलिंग क्या होता है ये, फिर ये पुलिंग की डेफिनेशन भी, ये भी आप लिखेंगे। नंबर, अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, पुलिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से पता चले कि वह पुरुष जाति का है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने बोल दिया हाथी तो उससे पता चल रहा है वो पुरुष जाति का, मैंने बोला घोड़ा वो पुरुष जाति का है। तो शब्द के जिस रूप से पता चले कि वह पुरुष जाति का है, उसे पुलिंग कहते हैं। जैसे इसमें लड़का माली दे रखा है, एग्जाम्पल में पिताजी दे रखे हैं, ठीक है। और फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आप बनाएंगे। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से पता चले कि वह स्त्री जाति का है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं।
जैसे इसमें फिर वो दे दिया लड़की है मालिन है, इनसे पता चल जाता है आप मालिन बोलेंगे माताजी बोलेंगे तो इसका मतलब वो स्त्री जाति से हैं, तो स्त्रीलिंग कहलाएंगे वो शब्द। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मैं फिर एक बार वीडियो को पॉज कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, लिंग किसे कहते हैं, ये आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2, लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 3, पुल्लिंग किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। 4 क्वेश्चन आपने लिखने, कॉपी में याद भी करने हैं। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक से इसीलिए कर सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं वो वीडियो को इस तरीके से पॉज करें और अपना काम पूरा करें। किसी को कोई डाउट है कॉल में विदाउट हेजिटेशन एनी टाइम, ओके। कोई हेजिटेशन वो ना रखे बेटे, ना हेजिटेशन रखे, ना कोई डाउट रखे, सारे डाउट अपने क्लियर करें, ठीक है। या इस तरीके से वीडियो को पॉज करके आप अपना काम कर लें। कल मिलेंगे, आगे चलेंगे, इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए बाय।